बोर्ड पे ध्यान देना, अभी जो भी आपके डाउट हैं उसको लेते हैं। हम करेंगे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आएंगे। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसके बाद जो आपके डाउट पेंडिंग है उस डाउट्स को मैं लूंगा, चाहे 49, 46, जो भी वट एवर एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको देखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट के 5 क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख के आज चैप्टर खत्म करना है हमें, और वो डाउट लेके भी खत्म करेंगे आज चैप्टर। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके से जैसे आपने कैश बुक किया हुआ है, सेम उसी पैटर्न पे ये वर्क करता है। कैश बुक पे जो भी रिसिप्ट होगा इधर आएगा, जो भी पेमेंट होगा इधर आएगा। तो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया हमने तो इसमें कुछ ना कुछ तो आंसर हम ढूंढेंगे। इसमें आंसर आपका जो मैक्सिमम चांसेस है वो निकलेगा बैलेंस सीडी, जो मैक्सिमम चांसेस है आंसर निकलेगा बाय बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस सीडी क्या है? जब बैलेंस सीडी निकलेगा तो इसका मतलब होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ऑफ कैश, लेकिन सपोज करो आपको क्लोजिंग बैलेंस कैश का इंफॉर्मेशन में दे रखा है फिर भी इधर बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है तो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। यानी बाय साइड में आपका बैलेंस सीडी तो निकलेगा। बैलेंस सीडी के अंदर यहां पे दो चीजें हो सकता है, एक कैश और जिसका भी इंफॉर्मेशन दे रखा होगा उसका अपोजिट वाला निकल जाएगा। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दे रखा है, अगेन इस साइड ही डिफरेंस निकल रहा है, तो इसका मतलब वो कैश का बैलेंस होगा। जब बैंक का दे रहा है तो कैश ही बचेगा, अगर कैश का दे रहा है तो बैंक बचेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन बोल देगा आपसे कि हमें कैश परचेज निकालना है, तो जो इस साइड बैलेंस आएगा वो कैश परचेज होगा, या फिर कई बार बोल देगा पेमेंट टू क्रेडिटर निकालना है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा पेमेंट टू क्रेडिटर। यानी जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमारा आंसर जो निकलेगा इसमें बैलेंस सीडी बिल्कुल कैश बुक की तरह होगा। सबसे पहले हमें अगर दे रखा है इंफॉर्मेशन बैलेंस बीडी तो ठीक, नहीं तो हम लिख देंगे यहां पे, अगर दे रखा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और बैलेंस बीडी किस किस का हो सकता है? कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी। अब इसके बाद आगे की डिस्कशन करते हैं। अब मान लो मैं यहां पे डिटेल बनाता हूं, 2010 में मेरा सब्सक्रिप्शन जो था वो रिसीव हुआ, मान लेते हैं 1 लाख, ये है 2009, और इसके बाद 2011, इस साल का बाकी था 5,000, इस साल का रिलेटेड है 3,000, ये 3,000 भी इसमें इंक्लूड है और ये 5,000 भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे तो उसमें तो सिंपल हम एक्सपेंडिचर को रिलेट करते थे, कितना इनकम है या कितना एक्सपेंडिचर। उस टाइम क्या करते थे, 1 लाख में से ये पिछले बार का है माइनस, अगली बार का माइनस, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब हमें बस ये समझना है कि टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ, वेदर रिलेटेड टू पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, किसी से रिलेटेड हो हमें मतलब नहीं है। मैंने बोला सैलरी 10,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बता रहा हूं, तो मैं 10,000 ही रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं मिला, जब नहीं मिला तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है 1 ईयर के बेसिस पे, और ये कितने ईयर का, इसमें कोई ईयर नहीं है। जब पैसा रिसीव होगा तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, पेमेंट होगा तो पेमेंट साइड में लिख देंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। रिसिप्ट में सबसे पहले देखा जाए तो क्या क्या रिसिप्ट हो सकता है, सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव। आप वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि इतने मेंबर है तो इतने आएंगे, नहीं, कितना रिसीव हुआ है वो सिंपल। इसके बाद रिसीव क्या हो सकता है, डोनेशन, जो रिसीव होगा चाहे लाइबिलिटी हो चाहे इनकम हो, या फिर हो सकता है हमारा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग, और क्या रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
ये रिसीव हो सकता है। और क्या हो सकता है रिसीव? लॉकर रेंट। और एक पॉइंट और देखेंगे, पहले क्या करते थे, कोई भी एसेट्स बेचा, अगर 100 रुपए का एसेट्स है और हमने बेच दिया उसको सपोज करो 120 रुपए का, तो हम ट्रीटमेंट क्या करते थे, 20 रुपए का जो बेनिफिट है वो दिखाते थे, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात था। यहाँ पे 100 रुपए का एसेट्स बेचा, अब उसका बुक वैल्यू कितने का उससे मतलब नहीं है, जब बेचा है एसेट्स तो पैसे आएगा, तो टू साइड में आ जाएगा। एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ, वहां पे था प्रॉफिट या लॉस, यहां पे सेल ऑफ एसेट से कितने पैसे रिसीव करेंगे। सेम यहां पे टूर्नामेंट फंड भी हमारा आ सकता है, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी वो भी रिसिप्ट में आ सकता है, हालांकि लाइबिलिटी है, लेकिन यहां पे लाइबिलिटी और एक्सपेंस या इनकम को कंपैरिजन नहीं करना, जो पैसा रिसीव करोगे सिंपल यहां दिखा देंगे। पेमेंट साइड में क्या हो सकता है, जो हमारे पास काम करते हैं उसका सैलरी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ नहीं करना, रेंट हो सकता है, रेंट के बाद हो सकता है हमारा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और हो सकता अपकीप ऑफ फील्ड और एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, फर्नीचर, फर्नीचर के बाद एनी काइंड ऑफ एसेट जैसे मशीनरी। इसके बाद अगर मान लो सपोज दैट के मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट साल के भले ही बीच में करवाया हो, चाहे साल के स्टार्टिंग में करवाया, उससे मतलब नहीं है, हमने इन्वेस्टमेंट किया 31 मार्च को ही क्यों ना करवाया, पैसे तो गए, तो पेमेंट साइड में आ जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, रेट लिख दो 10%, 5%, लेकिन उसका ब्याज कितना बनेगा हमें नहीं मतलब, उसका आधे साल में किया है पूरे साल में किया है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, अच्छा बीच में किया है 6 महीने का इंटरेस्ट, और फिर वो पूछते हैं ये इंटरेस्ट कहाँ दिखाएं, उसको दिखाना ही नहीं है, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं अभी फिलहाल, बैलेंस शीट होता तब हम बात करते हैं उसकी। और भी बहुत सारे एक्सपेंस हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर, ये आ गया, ठीक है, और इनकम भी हो सकता है, मेंबरशिप फी, यहां तक क्लियर है आपको, वहां पे सरप्लस निकलता था और निकलता था डेफिसिट, लेकिन यहां पे क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, इन केस ऑफ क्वेश्चन में कहता है भाई क्लोजिंग बैलेंस आपको हमने दे रखा है, आप निकालो पेमेंट टू क्रेडिटर, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्या होगा, क्रेडिटर, जो क्रेडिटर को पेमेंट होगा वो दिखाया जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा परफॉर्मा है, किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, इधर सारा रिसिप्ट आ जाएगा, इधर पेमेंट, बस सिंपल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हमारे एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपका जो ये टॉपिक करने के बाद पूरा एनपीयू एक तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हो गए, बीच में एक दो कॉन्सेप्ट पेंडिंग और एक आध और है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, वो भी मैं आज होमवर्क में दे दूंगा आपको, तो एक बार फटाफट ये नोट करो, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आपके डाउट। वन एक क्वेश्चन है आपके बुक का, इसको सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए बनाना है, और कैश इन हैंड दे रखा है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बताया ही नहीं गया कि बैलेंसिंग फिगर क्या निकालोगे, तो नहीं बताया जाए तो हमारा बैलेंसिंग फिगर हमेशा निकलेगा बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस, आप बैलेंस बीडी लिख लो, चाहे कैश इन हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हो यहां पे वर्ड।
तो सबसे पहले कैश इन हैंड है 4390, तो 4390 ओपनिंग बैलेंस है ये। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ही है, इनकम है तो इधर आएगा, रिसिप्ट हुआ होगा सब्सक्रिप्शन। और अमाउंट 37,600, बहुत ही सिंपल है ये, इसलिए मैंने सोचा लास्ट में एक बार करवा दूंगा, एक बार में ही हो जाएगा ये। डोनेशन हमें मतलब नहीं है कौन सा डोनेशन है, कोई नोट नहीं देना आपको। डोनेशन हो गया 8,000, 80,000। इसके बाद एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी बोर्ड पे ध्यान दो, 4,300। रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, ये क्या होता है, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल क्या होता है? क्या क्लब क्या है ये? क्लब क्या है? नहीं, क्लब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लब? देखो बेसिकली सुन लो, पता नहीं है तो क्लब का मतलब बेसिकली हमारे माइंड में आता है, क्लब का मतलब हम सोचते हैं क्लब जहां पे कि मान लो बियर पड़ा हुआ है, डांस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमारे माइंड में कोऑर्डिनेशन होता है क्लब। आप चीजों को समझो, हम क्लब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे लगा सकते हैं। एनजीओ ज्यादातर क्लब वर्ड का इस्तेमाल करती है, और क्लब का मतलब यहाँ पे क्या है, रेलवे क्लब है, तो रेलवे से रिलेटेड होगा आपका कुछ ना कुछ, चाहे कोई भी प्रैक्टिस करवाया जाए। तो इनके पास जो भी एक्स वाई जेड हॉल हो, चाहे भले ही उस हॉल में ये खाना खाते हो बैठ के, या भले ही उस हॉल में ये सिर्फ सोते हो, उसका किराया है हमारे पास। तो क्लब का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए प्लेस बनाया गया उसको क्लब नाम देंगे। क्लब हम नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ बस वर्ड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रेंट रिसीव किया है, कोई हॉल होगा इसके पास, हॉल कैसे, जैसे कि स्कूल के अंदर, आपके स्कूल में तो नहीं है लेकिन कुछ एक स्कूल में ऑडिटोरियम होता है, उसको क्लब हॉल भी हम बोल देते हैं कई बार। तो यहाँ पे आपका रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल, तो टू रेंट रिसीव लिख दोगे चलेगा। और ये आ गया 5-2। और मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो जितने भी मैरिज के होते हैं, ये सारे एनजीओ होते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिसे हम समुदाय भवन भी बोलते हैं। तो ये सारे एनजीओ होते हैं आपके, कुछ तो गवर्नमेंट एमसीडी के अंदर होते हैं, कुछ आपके होते हैं जैसे कि अपने समाज से रिलेटेड होते हैं, वो बनाते हैं। समाज से मतलब अग्रवाल है तो अग्रवाल अग्रसेन आपका बैंकेट हॉल मिल जाएगा, अगर कोई जैन है तो जैन से रिलेटेड, तो वो उनका हॉल होता है, उनको क्लब हॉल बोलते हैं। तो जब आप वहां पे कोई भी बर्थडे, मैरिज, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो, तो उनका किराया हमें देने पड़ता है, तो उनके लिए वो क्या माना जाता है, इनकम माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे सारा इनकम आ रहा है तो इसका मतलब सब इनकम, नहीं, ये मिक्स करके देगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किधर लिखेंगे, बाय साइड में, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 3440। इसके बाद हमारा है टैक्स पेड। अब टैक्स कोई सा भी पेड हो, इनफैक्ट ड्राइंग ड्राइंग तो होगा नहीं वैसे, कोई भी खर्चा हो चाहे पर्सनल हो, कोई भी पेमेंट से हमें मतलब रखना है। टैक्स पेड, अगर यहां इनकम टैक्स होता तब भी मैं यही लिखता, भले वो पर्सनल क्यों नहीं हो। सैलरी खर्चा है हमारा, लेकिन क्वेश्चन में तब थोड़ा अच्छा होता जब बोलता है सैलरी के अंदर जो है, ये सैलरी जो है 21,500, अभी इसमें से 500 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब इसमें से 500 अभी मिले ही नहीं है, तो हम यहाँ पे 21,000 रुपये दिखाते हैं माइनस करके, ठीक है। आपका ऑनोरोनियम सेक्रेटरी, ये भी क्या है, खर्चा। ये आ गया आपका 2,500 रुपये।
इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव है ना, तो रिसीव टू साइड में, इंटरेस्ट रिसीव 2950। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय साइड में, एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। इसके बाद पेटी कैश एक्सपेंस, और ये आ गया 900। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी पेमेंट है, थ्री वन जीरो। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। सिंपल, हमने सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया, अब बैलेंसिंग फिगर इसके अंदर निकलेगा बाय साइड में, तो मैं बाय साइड में निकलेगा उसको बैलेंस सीडी, नाम दे दूं, या फिर मैं क्या नाम दे दूं, कैश इन प्रायोरिटी, कैश इन हैंड को देंगे। अगर कैश इन हैंड क्लोजिंग दे रखा होता फिर भी बैलेंसिंग फिगर निकलता, तो किसको दे देते हैं, कैश एट बैंक को, वहां पे क्या दे देते हैं हम, कैश एट बैंक। अब टोटल करिए इसका फटाफट, क्या आता है, 62,490। इधर भी आ गया 62,400, माइनस करिए, क्या 33,000 नेट, 33 33, ये आ गया हमारा आंसर। इस टाइप का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट एक बार आया हुआ भी है, तो इसमें 6 नंबर का भी दे दे, 4 नंबर का दे दे, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आपके बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 था, इसमें होमवर्क रहेगा आपका 5 तक। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप अप टू 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अब नोट करिए आप इसको, फिर आपके डाउट लेते हैं।